वहीं भिलाई 3 के सतनाम भवन में हरेली तीज उत्सव का आयोजन सतनामी समाज की प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मानव कल्याण परिषद की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पार्वती कुर्रे द्वारा किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल की धर्मपत्नी रजनी बघेल शामिल हुई। इस दौरान तीज क्वीन स्पर्धा, विभिन्न खेलकूद स्पर्धा एवं छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक संगीत का आयोजन महिलाओं द्वारा किया गया। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया गया और देशभक्ति गीतों पर महिलाएं जमकर झूमती हुई, हाथों में तिरंगा लेकर महिलाओं ने राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का संदेश देते नजर आए। आज़ादी का 75वीं साल को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसके लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है। उसमें हमारी पार्वती बहन और उसकी सहयोगी बहनें सब मिलकर उनका साथ दे रही है हर घर तिरंगा अभियान में। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ 15 अगस्त की। और आज हरेली तीज मिलन का भी कार्यक्रम उन्होंने रखा था, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। आज हमारा कार्यक्रम मुख्य रूप से हरेली तीज उत्सव का आयोजन था, क्योंकि इसी महीने छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रमुख त्यौहार महिलाओं का तीज उत्सव रहता है। उसका तीज मिलन समारोह हमारे भिलाई चरोदा में रखा गया था और हमारे क्षेत्र की महिलाओं के साथ साथ बहुत सारे दूर दूर अंचल से भी हमारे पास महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ आने वाले तीज उत्सव के लिए, क्योंकि एक हमारा पारंपरिक त्यौहार है और संस्कार और संस्कृति को समेटने की सहजने की जिम्मेदारी हम महिलाओं की है, क्योंकि हमारा जो संस्कार और संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। ऐसे त्यौहारों को सहजना, इनको प्रोत्साहन देना हम सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो व्यंजन बनते हैं, जो तीज त्यौहार होते हैं, वो हमारी पहचान है, हमारा अभिमान है। तो मैं सबको तीज उत्सव की बधाई देती हूँ। साथ ही अभी 15 अगस्त में हमारे देश में आज़ादी का अमृत उत्सव, आज़ादी का 75 साल हमारे देश में मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के रूप में हर घर तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, क्योंकि तिरंगा ही हमारी शान, आन बान और शान है और यही हमारी पहचान है, जो हमको जाति धर्म से सबसे ऊपर लेकर हमको एकता के सूत्र में बांधता है। और मैं सभी देशवासियों को आज़ादी के अमृत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, ताकि हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और हमारे देश की ताकत को, एकता को दिखाने का एक बहुत ही सुंदर अभियान चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान जो बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन पूरे देश में हो रहा है, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज़ादी के अमृत उत्सव की। धन्यवाद।